सो गाइस आज थोड़ा सा शॉर्ट राइड करते हैं। इवनिंग के 4:40 हो रहे हैं और अभी मैं हूँ पंजाबी मोड में, और पंजाबी मोड से दुर्गापुर की तरफ जा रहा हूँ। तो कुछ खास बात है इसलिए जा रहा हूँ दुर्गापुर, और चलिए रास्ते पे चलते हुए बात करते हैं और आप लोगों को। तो आज काफ़ी दिनों के बाद इस तरह शाम को दुर्गापुर जा रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है, जब रानीगंज से मैं कोलकाता के लिए जाता हूँ तो दुर्गापुर क्रॉस करके ही जाता हूँ, लेकिन आज कुछ स्पेशल है तो इसलिए अभी रानीगंज से दुर्गापुर जा रहा हूँ। अभी काजीरंगा में हम लोग पहुँचे हैं। यहाँ पे तो चेक इन लगता है, देखिए आज का क्या कंडीशन है, क्योंकि मुझे एक बार यहाँ पे पकड़ा था लेकिन मेरे पास सब कागज़ अप टू डेट था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज तो है नहीं, तो सिग्नल भी नहीं है यहाँ पे। ये अभी ये मैं अंडाल का जो ब्रिज है वो मैं अभी कर रहा हूँ, तो ये है अंडाल और ज़्यादा टाइम और नहीं लगेगा पहुँचने में, करीबन 15 मिनट तो हो चुका है। और सुपर राइडर कि आपका दुर्गापुर और अंडाल के बीच में ही पड़ता है। और गाइस अभी लोकेशन से और 270 मीटर पे है जहाँ जाना है मुझे, तो बस ये रहा गली। सो गाइस मैं एक तरह से आप लोगों को बता रहा था कि दुर्गापुर में जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं एकदम उस जगह पहुँच चुका हूँ। और मतलब मैं जिनके पास आया हूँ ना उनको अगर मैं दिखाऊंगा तो उनका कोई इंट्रोडक्शन या कुछ भी कोई चीज़ का जरूरत नहीं होगा। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, अगर आप आसनसोल में या रानीगंज में या दुर्गापुर में अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं ना नेट पे कि मुझे ये लेना हो वो लेना हो तो आप उस चैनल को विजिट करते हैं, आप एकदम समझ गए होंगे कि मैं किन से मिलने के लिए आया हूँ। और चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहे सुभाषीष दा और एकदम, और एक्चुअली क्या है ना कि चैनल बोलने की जरूरत नहीं, फिर भी आप अपनी तरफ से बोलिए। So this is Shubhashish Malik from Asansol City of Brotherhood YouTube channel. Yes. So अभी हम लोग गाइस दुर्गापुर में। दुर्गापुर में थापा टॉक्स। Actually मेरा क्या है कि मैं भी अभी food blogging start किया हूँ। ऐसे मैंने बहुत पहले से start किया था लेकिन बीच में मैंने छोड़ दिया था। तो अभी just कुछ दिन से मैं continuous डाल रहा हूँ। तो इसलिए मैं कुछ tips लेने के लिए आया हूँ भैया से। तो आप सबसे पहले पूछिए मतलब फूड ब्लॉग में करना क्या होता है, मतलब कि जिससे मैं व्यूज गेन कर सकूँ, ऐसा क्या मतलब? देखिए आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फूड जो एक्सप्लोर करना पड़ेगा, जो कि मतलब ये है, और अच्छे अच्छे खाना को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कहाँ जो है अच्छा खाना मिल रहा है, तो वो सब चीज़ें करनी पड़ती है, खाना पड़ता है। और थोड़ा सा कैमरे का क्वालिटी मैटर करता है फूड ब्लॉग में, क्योंकि फूड को सही से दिखाना, अगर फूड जो टेस्टी है वो समझ सामने वाले को भी समझाना पड़ता है कि एक्चुअली में ये जो फूड टेस्टी है या फिर बेकार लग रहा था बोल दो डायरेक्ट की बेकार लग रहा, मतलब इस तरह से शूट कर सकते हैं। और कौन सा फूड मतलब आसपास के एरिया में कौन सा फूड कहाँ मिल रहा है किस कम प्राइस में, वो सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा।
एकदम। तो जैसा कि भैया के वीडियोस में तो वो सब हम लोग देखते ही हैं, और एक चीज है कि मतलब क्या होता है ना, आप थोड़ा सा अपना जो चैनल है आपका मतलब इतना बड़ा चैनल है उसके बारे में तो नहीं, अब हम लोगों का जो एरिया है ना यहाँ पे मतलब काफी नहीं, उस हिसाब से नहीं, अगर फिर भी देखा जाए तो आपका 1 लाख के ऊपर ही है। तो वो आप थोड़ा सा जर्नी बताइए कि कैसा मतलब कैसे आपने स्टार्ट किया, कहाँ तक? मुझे समझ में नहीं आया मतलब कब हो गया। मैं तो जस्ट वीडियोस बनाता गया, ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत ज्यादा वीडियोस बनाता था, महीने में 2-4-5 वीडियोस ही बनाता था, क्योंकि मैं फिर अलग अलग काम करता। मैं पहले तो स्टूडेंट था, फिर अपना मैंने ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया, तो उसी बीच मतलब ये चीज़ होते होते मतलब हो गया। अभी भी मैं ऐसा नहीं कि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ, बट ऐसे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं ना, डेली वीडियो बनाते हैं, बट मैं डेली वीडियो नहीं बनाता। मुझे लगता है कि अगर मैं डेली वीडियोज़ बनाऊँ तो ये जो है चैनल या फिर पेज जो है हमारा असंतोष स्टूडियो ब्रदर, वो और भी इम्प्रूव हो सकता है। सो आपको अगर करना है सीरियसली पैशनेटली करना है तो आप भी डेली वीडियोज बनाइए, डेली बढ़िया में, और टॉपिक्स अगर अच्छे होंगे डेली वीडियोज के साथ तो और भी ज़्यादा सही है। मतलब मेरे बोले मतलब क्वालिटी के साथ अगर क्वान्टिटी भी आप मिल जाएगी तो आपको जो है ईजिली ग्रो कर जाता है। सही है, तो ये तो चलिए भैया ने बताया, मैं और बाकी व्यूअर्स को ये भी थोड़ा बहुत दिखाऊंगा कि भैया क्या क्या जो आप इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। अभी तो फिलहाल मेरे पास है नहीं, मैं बता सकता हूँ। एक तो मैं 2 लैपटॉप यूज़ करता हूँ, और 1-2-3 कैमरे हैं हमारे पास। एक कैनन 200D2 है, अभी हाल ही में निकॉन का लिया, निकॉन Z30, और एक है GoPro कैमरा है हेलमेट माउंट के साथ, ठीक है। और एक जो है X3 ऑर्डर किया है, 1X Insta 1X3, वो जो आपका मिररलेस जो आ रहा है, वो मिररलेस नहीं, वो 360 कैमरा है। 360 आप एक अभी मैंने ये DSLR है एक। अच्छा। मैं एक हम लोगों ने जो निकॉन का लिया निकॉन Z30 वो मिररलेस है। वो तो हम लोगों ने मतलब क्या क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए किया, स्टार्टिंग सब कोई जो है स्मार्टफोन से ही करता है। अगर आप भी स्टार्ट कर रहे हो तो अपने स्मार्टफोन से स्टार्ट कर सकते हो, जब अर्निंग आना चालू हो जाए। क्योंकि यूट्यूब में क्या होता है कि कोई भी गारंटी नहीं होता कि आप स्टार्ट करो आपको पैसा आने चालू हो जाए। अगर आप पैसे के लिए कर रहे हो तो वो फिर मेरे हिसाब से दिक्कत है, तो फिर मतलब पूरा करने के साथ। बट हाँ, आपने स्टार्ट किया स्मार्टफोन के साथ, अर्निंग आनी चालू हो गई, फिर जो आप कैमरा पे इन्वेस्ट कर सकते हो, माइक पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ है जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। और ऐसे तो मतलब हम लोग एक बहुत जल्दी एक मीटअप भी रखेंगे। कहाँ पे? तो ये रानीगंज में, रानीगंज में हाँ, 2 मीटअप हम लोग मैंने किया है। अच्छा। 2 मीटअप मैंने मतलब कंसोल में किया था, तो उसमें मैं क्या फिर लोगों को मतलब मैं मैनेज नहीं कर पाया, सबके साथ सही से इंटरेक्ट नहीं कर पाया, तो उसके बाद मैंने मीटअप रखना एक्चुअली बंद कर दिया। नहीं तो एक आई थिंक याद है 20,000 के आसपास में हम लोगों ने एक मीटअप रखा था आफ्टर 50,000 सब्सक्राइबर, और 100 के सब्सक्राइबर के बाद हम लोगों ने कोई मीटअप नहीं रखा। अच्छा। तो अगर ऐसा पॉसिबल हो पाए, अगर आप लोग मतलब उसको हेल्प करोगे मैनेज कर सही से किया जाए, तो जो है एक मीटर हम लोग रानीगंज और एक मीटर दुर्गापुर में भी रख सकते हैं। एकदम, मतलब रानीगंज में तो एकदम रखना ही है, तो प्रोबेबली हम लोग फरवरी के एंड में। हाँ, क्योंकि गर्मी से पहले ही कर रहे हैं, गर्मी में फिर लोग आएंगे। तो हम लोग जैसे जो भी हो मतलब 20 फरवरी के बाद हम लोग एक वो 10 दिन के बीच में कोई भी होगा तो वो डेट हम लोग बता देंगे, और भैया भी अपने पेज पे वो सब बता देंगे कि क्या है कैसे है। तो आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, और काफ़ी काफ़ी मतलब डाउन टू अर्थ पर्सन है जैसे कि आप देख सकते। और मैं एक बात बता रहा हूँ कि मेरा मोबाइल का जो कैम मतलब माइक काम नहीं कर रहा था, तो भैया ने अपना कैमरा दिया है, उसे ही शूट कर रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगा मिलके, तो बहुत जल्द मिलेंगे मीटअप में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, कीप सपोर्टिंग दिस चैनल गाइस, इट्स डूइंग वंडरफुल जॉब। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और गाइस, यहां से अब हम लोग निकल रहे हैं, टाइम करीबन 7:15 हो गया है, काफी टाइम हो गया है। अब यहां से हम लोगों को रानीगंज भी जाना है। हां, अभी बेना चीडी क्रॉस कर रहे हैं, बेना चीडी, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जाने में। तो शुभम,
गाइस अभी पंजाबी मोड़ पहुंच गया हूं। तो गाइस कैसा लगा मेरा वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।